डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन जितनी राहत और आराम की बात है उतना ही खतरनाक भी है, खास करके ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर। जरा सा भी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, जिस तरह से सड़क के एक्सीडेंट के बारे में कहा जाता है ठीक वैसा ही है, जरा भी आपने ऑनलाइन में सावधानी नहीं बरती तो आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं और फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही साइबर फ्रॉड में आजकल ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का, यानी कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आपको ज़्यादा पैसे कमाने का लालच दिया जाता है और आपसे ही पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, वो भी हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में। ऐसे ही एक साइबर क्राइम सेल में आए हैं जो कि मीरा भाईंदर वसई विरार में है, इसके सीनियर पीआई हैं हमारे साथ सुजीत कुमार गुंजर जी, और इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रॉड आखिर किस तरह से हो रहा है और इसका जो जाँच की जा रही है तहकीकात, तो ये कहाँ तक जा रहा है, इसका सोर्स कहाँ पर है। सर ये बताइए कि आजकल साइबर फ्रॉड तो हर जगह हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम के जो साइबर फ्रॉड है वो ट्रेंडिंग में है, तो वो जांच में आप लोगों ने क्या पाया, किस तरह से किया जाता है, कैसे लालच देते हैं, कैसे लोग फंस जा रहे हैं और इसका अंत कहाँ पर हो रहा है? वर्क फ्रॉम होम जो क्राइम रिपोर्ट हो रहा है उसमें हम लोगों का एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी फ्रॉड लिंक्स है वो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये ज़रिए से लोगों तक जानकारी जाती है कि आप लाइक कीजिए, पोस्ट कीजिए, रिव्यू कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इस तरह का कोई फिशी टास्क उन लोगों को दिया जाता है और बताया जाता है कि ये टास्क पूरे करने पर आपको एक दिन में 10,000-15,000 मिलेगा और उसके लिए आपको एक डिपॉजिट अमाउंट जो है 25,000, 40,000 या 50,000 वो डिपॉजिट कराया जाता है। जब आप उसको विड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट स्टेज पे तो सक्सेसफुल विड्रॉ हो जाएगा और यहीं से हो जाती है क्राइम की शुरुआत। फिर उसको आपको बताया जाता है कि आप इससे बड़ा वाला पैकेज लीजिए 1,00,000 का, ताकि आपके पैसे जल्द से जल्द 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 1.5 लाख रुपये। और इसी तरफ जब विक्टिम और पैसे इसमें इन्वेस्ट करता है तो वो लोग विड्रॉ बंद कर देते हैं। बेसिकली ये क्राइम का इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को पता चला है कि जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर लिंक आ रही थी वो सब दुबई के आईपी से आ रही थी, तो इसकी कोई भी तहकीकात विथ इन इंडिया पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग जाएंगे बैंकिंग पे जहाँ से पैसा आगे गया है, वो पैसा जिन लोगों के अकाउंट में जमा हुआ था उन लोगों से जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये बात समझ में आ रही है कि उन लोगों ने बिनांस या और भी कोई जो क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप है, प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर क्रिप्टो असेस सेल किया था और उसके अगेंस्ट उनको ये पैसा अकाउंट में जमा हुआ था। जब हम लोगों ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से इनकी जानकारी मांगी तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली है कि ये जो क्रिप्टो असेस है वो चाइना या अमेरिका ऐसे अलग अलग देशों के परचेसर ने ये क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ पाएगी आपको कि ये जो फ्रॉड है ये किसी पर्टिकुलर एक भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, ये इंटर स्टेट या हम बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक सही तरीके से चलाया जा रहा है। काफ़ी विक्टिम जो हमारे पास आए हैं उनमें से तो कुछ वेल ग्रेजुएट है, टेक्निकल पर्सनस है, CAs है, डॉक्टर्स है, हाउसवाइफ्स है, जिनको पता था कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, फिर भी वो लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और वर्क फ्रॉम होम के नाम से ठगे जा रहे हैं। ये एक सवाल है कि कई तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम ही ट्रेंड कर रहा है, क्यों, तो उसमें क्यों लोग फंस जा रहे हैं उसमें? एक आपको एक अच्छा सा अगर डैशबोर्ड दिखाया जाए, मतलब एक कोई भी चीज़ में एक सबसे अहमियत की बात है कि देखना आप किस तरह से वो डैशबोर्ड को देखते हैं, उसमें जो ग्राफ्स बने हुए हैं कि आज मेरा इन्वेस्टेड 10,000 है और तीन दिन बाद उसका वैल्यू 25,000 दिखाया जाता है, तो ये जो आकर्षक डैशबोर्ड उन लोगों का डिज़ाइन किया हुआ है तो इससे लोगों का भरोसा वो लोग जीत लेते हैं कि ये वाला मुझे रिटर्न्स मिलना ही मिलना है। तो लोगों की जो एक कमज़ोरी है लालच, उसी को वो लोग टारगेट कर रहे हैं और वो लालच में आकर अच्छे पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर टेक्नो से भी लोग भी उन लोगों का शिकार हो रहे हैं। ये तो बात हो गई जो ट्रेंडिंग साइबर फ्रॉड चल रहा है, वैसे ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल जो साइबर फ्रॉड है बढ़ चुका है आपका। अगर हम इस जनवरी से अब तक की बात करें तो यहाँ पर किस तरह कितनी कंप्लेंट आ चुकी है और कितने आप लोग सॉल्व करने में कामयाब हुए हैं? और बड़ी बात यह है कि लोगों को लगता है तो पैसा गया तो मिल नहीं सकता, लेकिन क्या कुछ पैसे आप लोग लौटाने में भी कामयाब हुए? जी हाँ बिल्कुल, हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो तकरीबन 94 लाख हम लोगों ने रिफंड और रिवर्ट किया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको कोई कोर्ट की चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो विक्टिम के साथ जो भी फ्रॉड हुआ है और जो अकाउंट से उनका पैसा गया है उसी अकाउंट में हम लोगों ने वो एक्शन लेकर उनको रिफंड या रिवर्ट दिलवाया है। लेकिन काफ़ी बार ये दिक्कत आ जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया या फिर
इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रांजेक्शन हो जाता है तो हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाते या फिर उसमें जांच में काफ़ी लिमिटेशंस आ जाती है, तो ये एक दिक्कत है। एक चीज़ ये बताइए कि मान लीजिए किसी का साइबर फ्रॉड हो गया तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक अच्छा सा वेबसाइट बना हुआ है cybercrime.gov.in। आप किसी भी जगह हो, आप किसी भी हालत में हो तो cybercrime.gov पे जाकर आप अपना कंप्लेंट तुरंत दर्ज कराएं, और कंप्लेंट दर्ज कराते वक्त आपको ख्याल में रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपके बैंक से हुआ है उसका जो भी रेफरेंस ट्रांजेक्शन आईडी नंबर है वो आपने सही तरीके से वहाँ इंसर्ट करना है। इसके अलावा आपको जो अपनी बैंक है बैंक को भी तुरंत इन्फॉर्म करना है कि जो भी खाता है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसमें फ्रॉड हुआ है, और उसको ब्लॉक करवाना है। अगर आप सही समय पे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं तो आगे जाके आपका पैसा आपको मिल सकता है। जैसे एक्सीडेंट के दौरान कहा जाता है कि गोल्डन आवर में अगर जो मरीज है, जो घायल है, वो अस्पताल तक पहुँच जाए तो बच जाएगा, ठीक उसमें ऐसा इसमें भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी मनी पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने के बाद सेटल होने में इंटरमीडिएटरी उसको एक ठराविक समय लेता है, टाइम लेता है। अगर हम वो टाइम पर इंटरमीडिएट के पास पहुँच सकते हैं तो हम लोग वो ट्रांजेक्शन को स्टॉप करवा सकते हैं और रिवर्ट करवा सकते हैं। और किस तरह के सगी साइबर ठगी के मामले हैं, तरीके जो हैं? काफ़ी तरीके हैं, काफ़ी लोगों को अभी आप सब जानते हैं 5G सिम आया था तो लोगों को SMS आना शुरू हो गए, अपडेट योर 5G सिम। काफ़ी KYC अपडेट के नाम से लोगों के पास SMS और ईमेल जाते हैं, आधार पैन लिंक करवाने के नाम से लोगों के पास ईमेल SMS जाते हैं, बिजली का बिल भुगतान करने के नाम से जाते हैं, और जो लोग WhatsApp यूज़र हैं उनको WhatsApp स्पूफिंग। इस तरीके में क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई बॉस या पहचान वाले इनका प्रोफाइल फ़ोटो रख के आपको व्हाट्सअप मैसेज किया जाता है या फेसबुक मैसेंजर से मैसेज किया जाता है कि मैं एक मीटिंग में हूँ या मैं किसी परेशानी में हूँ और तुम मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये अकाउंट में पैसा भेजो। ठीक ऐसा ही मामला हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है खड़े हैं कि इन्हें किसी पुलिस अधिकारी ने, जो इनके दोस्त हैं राजस्थान में, नंबर पर DP उनका लगा था और पैसे मांगे और इन्होंने 27,000 भर दिए। कितने आपने? 27,000 रुपये मैंने लगा दिया। अच्छा। वो आपको पहचानते हैं उनको? मेरे दोस्त को पहचानता हूँ, DP पे उनका DP पे फोटो देख के मैंने लगा दिया। नंबर नहीं देखा आपने? मैंने नंबर नहीं देखा, उनका क्या नंबर, उनका ड्यूटी चेंज होता है तो नंबर भी चेंज होते हैं उनके, मैं समझा अभी नई जगह गए तो नया नंबर होगा इनका। और आपने दे दिया पैसे? मैंने दे दिया रात को 11:30 बजे, 27,000 रुपये लगा दिया उनको। ये इस तरह से इनका फ्रॉड हो गया। तो अब जो लोग हैं इसके लिए ज़रूरी है कि सावधानी, तो किस तरह की सावधानी बरतें ताकि लोग इस तरह के साइबर ठगों के झांसे में नहीं आए, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? मेरा सबसे पहला सुझाव तो रहेगा कि आप स्मार्टफोन अगर यूज़ करते हैं तो आप स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज़ कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए इंसान नहीं बना है, टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बनी है। तो आप अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म e-commerce साइट यूज़ करते हैं तो उसकी जांच पड़ताल ठीक से कीजिए। अभी जैसा हम लोगों के पास ये वाला केस आया था, इसमें अगर वो थोड़ी और सावधानी बरतते थे, क्योंकि वो नंबर उनके पास सेव नहीं था, अगर वो और एक जांच पड़ताल करते थे तो उनको पता चल जाता था कि ये सामने जो अकाउंट बना है वो फेक है, गलत है, रॉन्ग है, और उनका जो फ्रॉड हुआ है वो बच सकता है। लेकिन हमने देखा कि फेसबुक पे भी कुछ लोग इस तरह से मैसेज से मांगते हैं जो कि आईडी और प्रोफाइल सब वही रहता है। जी हाँ, होता क्या है कि लोग अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो ओपन रखते हैं, उसे लॉक रखना चाहिए ताकि आपका फोटो कोई देख ना पाए, कोई यूज़ ना कर पाए। अगर आप ये मामूली तरीके से भी अपनी सुरक्षितता बनाए रखते हैं तो आगे जाके फ्रॉड की शिकार नहीं बन सकते। आपने देखा मैंने कि एक सेल्फी भी बोर्ड भी लगा रखा है, इससे आप क्या बताना चाहते हैं, जागरूकता किस तरह करना चाहते हैं? गए 1.5 सालों में हमारे पास जो क्राइम रिपोर्ट हुए हैं उसमें से हम लोगों ने कुछ की पॉइंट्स, कुछ की वर्ड्स अलग रख दिए हैं जो हमेशा हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। उसी को लेके हम लोगों ने एक सेल्फी स्टैंड, एक आइडिया बनाया था कि यहाँ पर जो भी विक्टिम आते हैं वो अपना एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर सेल्फी खींचेंगे और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर करेंगे ताकि पता चलेगा कि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और क्या सावधानी बरती जाए। जो कीवर्ड्स है आप पढ़ सकते हैं, सब हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहला कीवर्ड है आई नेवर शेयर OTP। बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो 2D ऑथेंटिफिकेट होते हैं, यानी आप अगर अपना OTP किसी को शेयर ना करें तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये एक आइडिया है, आई नेवर शेयर OTP। एक दूसरा आइडिया है आई सर्च गूगल वाइसली। वाइसली से हमारा कहना है कि आप SBI कस्टमर केयर नंबर ये वाला सर्च ना करें, आप SBI बैंक वेबसाइट सर्च करें, उसमें आप कस्टमर केयर नंबर का जो टैब दिया होगा वहाँ जाकर सर्च करें। आई नो मेकिंग फेक प्रोफाइल
इज अ क्राइम। फेक प्रोफाइल बनाना यानी किसी का फोटो इस्तेमाल करके या किसी की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके ऑनलाइन में कोई भी प्रोफाइल बनाना, ये अपने आप में जुर्म है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 66D के तहत कानूनन 5 साल की सज़ा उसमें मेंशन की गई है। आई डू नॉट इन्वेस्ट माई हार्ड अर्न मनी इन अनरेगुलेटेड प्लान्स। इससे हमारा कहने का मतलब है कि कोई ऐसा अनरेगुलेटेड प्लान में आप अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें जिसकी कोई रेगुलेटेड बॉडी नहीं है, जो RBI कवर नहीं करता है, SEBI कवर नहीं करता है, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। आई पोस्ट डिसेंट मैसेजेज ऑन सोशल मीडिया। इससे हमारा कहना है कि आप जो भी सोशल मीडिया पे अपना मैसेज डालते हैं वो सही होना चाहिए, किसी की भावनाओं को क्षति ना पहुंचाए। बिफोर डाउनलोडिंग एनी ऐप आई डू सर्च एंड देन एक्सेप्ट अलाउ। जितने भी प्ले स्टोर पे ऐप्स हैं वो आप लोगों को डाउनलोड करते समय अलग अलग परमिशन मांगते हैं, मीडिया परमिशन, कॉन्टैक्ट एक्सेस परमिशन, लोकेशन परमिशन। ये परमिशन की ज़रूरत उस ऐप को किस लिए है, अगर आपको ये लगता है कि ये परमिशन देने से मेरा डाटा शेयर हो सकता है तो आपने वो परमिशन उसको अलाउ नहीं करना है, उसको डिनाई करना है। इतनी सारी सावधानियां हैं, बरतने की बातें हैं, लोगों को बताई भी जाती है, लेकिन हम देखते हैं इसके बाद भी लोग फंस जाते हैं उनके जाल में। और जब से हम बैठे हैं लगातार कोई किसी न किसी की शिकायत करता आ रहा है जिसकी साइबर ठगी हो चुकी है। और क्या वजह है कि लोगों में जागरूकता नहीं आती है या फिर कैसे फंस जाते हैं, अब तक का आप लोग का अनुभव क्या है? दो चीज़ें या दो कमज़ोरी कहिए, एक है लालच, हाई रिटर्न्स का लालच या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल कमाने का लालच या मेरे पैसे डबल कैसे हो जाएंगे ये चीज़ का लालच। और दूसरा है ना समझ पाना। अगर आपको कोई कस्टमर कैसे कॉल करता है और आपके बैंक क्रेडेंशियल पूछता है तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये क्रेडेंशियल ये फ़ोन पे क्यों पूछ रहा है। तो ये दो चीज़ें अगर सावधानी और समझदारी और लालच इन लोगों में अगर आ जाए तो साइबर फ्रॉड रोका जा सकता है, क्योंकि साइबर फ्रॉडस्टर के पास अलग से कोई भी टेक्नोलॉजी बनी हुई नहीं है। वो जो एग्जिस्ट टेक्नोलॉजी है जो लोगों के भले के लिए बनी है उसी का इस्तेमाल करके फ्रॉड कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात के लिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड से अगर बचना है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, समझदारी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन लालच बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है। मीरा भाईंदर से कैमरामैन प्रवीण रॉय सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए।